नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। देश में बीते 24 घंटे में 30,256 नए मामले आए सामने, 295 मरीजों की हुई मौत। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 381 अंक टूटकर खुला। आईपीएल 2021 के बाद आरसीबी की कप्तानी छोड़ देंगे विराट कोहली। देश में कोरोना का खौफ हो रहा कम, एक्टिव मरीजों की संख्या 183 दिनों में सबसे कम। रविवार को प्रशासन के नियमों के बीच बाप्पा का हुआ विसर्जन। कोविड-19 की संभवतः तीसरी लहर के लिए क्या नागपुर है तैयार, इस विषय पर हुई चर्चा, पालक मंत्री नितिन राउत समेत अन्य लोग थे मौजूद। आईटी की सर्च के बाद सोनू सूद का पहला ट्वीट, कहा 4 दिनों से कुछ मेहमानों को अटेंड कर रहा था। फेसबुक इंडिया ने राजीव अग्रवाल को डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा। वैक्सीनेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को करें प्रेरित, मनपा आयुक्त राधा कृष्ण बी ने की अपील। नागपुर में डेंगू पर नियंत्रण की चुनौती, नगर निगम के पास डेंगू टेस्ट किट की कमी। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।